Hello everyone, welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, this is Komal from Study with Kips. In our today's video, we'll discuss few tips to pass with flying colors in the last 30 days. So I know aap mein se kuch students aise honge, those who studied the entire year. Very good, I'm super proud of you, honestly. But kuch students aap mein se aise honge, jinhone sirf abhi tak 40 to 50% syllabus complete kiya hai. या कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने भी स्टार्ट भी नहीं किया. रीजंस कुछ भी हो सकते हैं कि आप पूरा साल नहीं पढ़ पाए, मे बी ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर आपको पूरा टाइम लगता रहा कि कोविड चल रहा है, पेंडेमिक है, एग्जाम्स तो ऑनलाइन ही होंगे, क्या करना है पढ़ के. तो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, पर जैसे ही आपके प्री बोर्ड्स हुए, आपको एक रियलिटी चेक मिला, तब आपको पता चला कि अब तो पढ़ना पड़ेगा. और प्री बोर्ड के मार्क्स आपके कम आए हैं अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा, तो प्री बोर्ड के कम मार्क्स से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अभी बिल्कुल लो हो चुका है. तो आप अभी इसी कंफ्यूजन में है कि क्या अगर हम अब पढ़ना स्टार्ट करें तो क्या हम 90 to 95% सोच सकते हैं या ला सकते हैं. तो यस, इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल. आई हैव सीन मेनी एग्जांपल्स जिन्होंने लास्ट में पढ़ना स्टार्ट किया एंड उनके आराम से 90% अबव आए हैं. पर उन्होंने जब लास्ट में पढ़ना स्टार्ट किया, दे वर डेडिकेटेड, दे वर डिटरमाइंड कि अब उन्हें कुछ करना है. अगर आप अभी भी सोच लेते हो कि हाँ मुझे बाकी सबकी बात नहीं सुननी है, सब आपको पूरा साल सुनाएंगे और सुनाया भी होगा अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हो, तो अब आपको किसी की बात नहीं सुननी है. सिर्फ लास्ट का एक मंथ सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना है. मैं जो स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ, आपको उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है एंड बिलीव मी, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. आपको इस टाइम के लिए अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है आपके लिए, फोन, इंस्टाग्राम, कुछ भी जो भी आपके लिए डिस्ट्रैक्टिंग है, आपको उसे अभी के अभी छोड़ना होगा. और जो मैं सारी स्ट्रैटेजीज बताऊंगी, आपको उसे स्टार्टिंग से लेकर डे वन से लेकर डे 30 तक, टिल आपके एग्जाम नहीं हो जाते, टिल द लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम, आपको तब तक उन सारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है एंड आप फिर देखना आपके मार्क्स कितने अच्छे आते हैं. तो आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे उन तीन स्टूडेंट्स के बारे में, एक स्टूडेंट जिसने पूरा साल पढ़ाई की है, एक जिसने पूरा साल पढ़ाई नहीं की है पर 50% सिलेबस कंप्लीट किया है, पूरा नहीं हो पाया, और जिसने बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम 30 डेज को डिवाइड करेंगे 15 डेज के दो स्लॉट्स में. अगर आपने पूरा साल पढ़ाई की है, मतलब आई जेन्युइनली होप आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया होगा. तो अगर आपका सिलेबस एक बार पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो जो मैं आपको बताने वाली हूं आपको वो जरूर करना है. मतलब आपको एनसीईआरटी दोबारा रीड करनी है, पेज वन से लेकर लास्ट पेज तक, टिल द एंड ऑफ द बुक. ऐसा होना चाहिए एनसीईआरटी के साथ, तो अगर आपको कोई रात को उठाकर भी पूछे तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक इस पेज पर है. मतलब एनसीईआरटी इतनी अच्छे से पता होनी चाहिए. सीबीएसई हमेशा एनसीईआरटी को फॉलो करती है, चाहे वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हो, चाहे वो एनसीईआरटी के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हो, एनसीईआरटी का डायग्राम हो, कोई भी चीज एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आ सकती है. तो द की इज द एनसीईआरटी. मोस्टली बच्चे 10 बुक्स को पढ़ने में रहते हैं, प्रदीप पढ़नी है, एस एल अरोड़ा पढ़नी है, इतनी सारी बुक्स हैं सब पढ़नी है. वो सब बुक्स पढ़ने का टाइम गया, वो सब थी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए. अब वो टाइम जा चुका है, अब आप अगर उसमें टाइम वेस्ट करोगे तो मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे. अब आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर. एनसीईआरटी आपके लिए बाइबल होनी चाहिए, आपको पूरा दिन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है. और अगर आपकी एनसीईआरटी हो जाती है तो आपको फर्स्ट 15 डेज में एक तो डेली एनसीईआरटी बुक, किसी ना किसी चैप्टर की एनसीईआरटी बुक रीड करनी है, प्लस उसी चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपको ओसवाल, अरिहंत, जो भी बुक्स आपके पास हो. आई पर्सनली रिकमेंड ओसवाल, मैंने देखी है वो बुक, बहुत अच्छी लगी थी मुझे. तो ओसवाल के सारे क्वेश्चंस, उनसे क्या होगा, वो क्वेश्चंस प्रीवियस इयर्स आए थे, 2018, 19, 17, 16, प्रीवियस 5 इयर्स में आए हुए वो कुछ क्वेश्चंस है. और जो सीबीएसई है वो काफी ज्यादा पिकी नहीं है. जो क्वेश्चंस जब मैं पढ़ रही थी तब आए थे, वही क्वेश्चंस तब भी आएंगे जब आप पढ़ रहे हो. तो आपको प्रीवियस इयर्स देखने हैं, और प्रीवियस इयर्स देखने के लिए क्या करोगे, आप जो ये हेल्प बुक्स मिलती है उन्हें फॉलो करोगे. तो प्रदीप वगैरह को फॉलो नहीं करना, फॉलो एनसीईआरटी, डेली एनसीईआरटी का चैप्टर, प्लस उसी चैप्टर के ओसवाल में से क्वेश्चंस, और डेली का एक सैंपल पेपर करना ही करना है आपको. चाहे आप मैथ्स का करो, फिजिक्स का करो, साइंस का करो, जो भी सब्जेक्ट है आपके पास, पीसीएम है तो पीसीएम में से कोई, पीसीबी है तो उनमें से कोई,
साइंस मैथ्स इंग्लिश जो भी आपको करना है आपको आप वो करो, आप थोड़ा सा टाइम मेन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा दो और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश हिंदी या फिर अगर ट्वेल्थ में आपके पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा कम टाइम दे सकते हो कंपैरेटिवली और बाकी सब्जेक्ट्स को आपको पूरा टाइम देना है क्योंकि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है वो स्कोरिंग है। अगर आप स्टार्टिंग से अब तक पढ़ रहे हो तो टेंसेस आपको आते होंगे, ग्रामर आता होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन आती होगी, तो इतना तो आप कर लोगे। तो जिन्होंने पूरा साल पढ़ा है आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करनी है आपको डेली और सवाल और सैम्पल पेपर करके ही सोना है। अब बात आती है उनकी जिन्होंने पूरा साल कम पढ़ा है या बहुत बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो अगर हम ऐसे स्टूडेंट्स की बात करें तो आपका मेन कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता कैसे चलेंगे? अब वो टाइम नहीं है कि आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ोगे, अब वो टाइम जा चुका है। आप हर चैप्टर लो, हर चैप्टर के ऑसवाल में 20-25 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दिए होते हैं हर चैप्टर के। आप कोई भी चैप्टर नेम करो उसके क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी। हर चैप्टर के 20-25 क्वेश्चंस हैं, तो बस आपको करना क्या है उन 25 क्वेश्चंस को करो पहले डेली। आपको फर्स्ट 15 डेज में शुड बी योर फोकस शुड बी ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस कि 15 दिन में आपका पूरा सिलेबस हो चुका है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करते हो तो भी 90% तो ले आओगे। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना। तो पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारी ऑसवाल की बुक, पूरी ऑसवाल की बुक, चाहे वो साइंस हो, एसएसटी हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, इन मेन सब्जेक्ट्स की ज्यादा फोकस कर लेना, सबकी एनसीईआरटी बुक को नहीं। और आपको क्या फॉलो करना है? सिर्फ और सिर्फ ऑसवाल बुक। आप ऑसवाल में से सारे चैप्टर्स एक बार कर लो और आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि अरे ये तो प्रीवियस ईयर आया था, जब मैंने तब कर लिया था तो ये अब तो कर ही लूंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही तो आप रिवाइज कर रहे हो और अगर पिछले साल के क्वेश्चन इस बार भी आ गए तो आपको पूरा पेपर देखा हुआ लगेगा। और एक और बात जो सबके लिए मैं कॉमन बोलने वाली हूं, आप सबको सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर इशू किया है वो सैंपल पेपर पूरा करना ही करना है। उसे 3 आवर्स बैठकर लिखो, उस पूरे पेपर को एक बार जो मिस्टेक्स हैं उनको चेक करो, उसको दोबारा से लिखो। पर वो सैंपल पेपर आपको टिप्स पे होना चाहिए। सीबीएसई ने हर क्लास में हर बोर्ड एग्जाम के लिए एक पेपर इशू किया है हर सब्जेक्ट के लिए, तो वो पेपर आपकी टिप्स पे होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने सबके केस में देखी है, जैसे अगर हम स्केड्यूल की बात करें तो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट 15 डेज सिलेबस कंप्लीशन, नेक्स्ट के जो 15 डेज है वो सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर करने पे ध्यान देंगे। जिन्होंने पूरा साल पढ़ाई की है वो तो सैंपल पेपर्स करेंगे डेली, 3-3 सैंपल पेपर्स उनके लास्ट के 15 डेज में होंगे, एक मैथ्स, एक साइंस और एक एसएसटी, 3 मेन सब्जेक्ट्स हो गए। डेली के तीन सैंपल पेपर्स। अगर आप 5 सैंपल पेपर्स पूरे कर लेते हो ना, उसके बाद के सैंपल पेपर्स आप बस रीड किया करोगे, ये क्वेश्चन तो मेरा पिछले सैंपल पेपर में हो गया था, ये तो मुझे आता है, ये भी आता है, मतलब सिर्फ 5 आपको लिखकर देखने हैं एंड दैट विल बी ऑल। इसके अलावा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इतना करो। और जो मैं बात कर रही थी जिन्होंने पूरा साल कम पढ़ाई की है, अगर हम उनकी बात करें तो हमने क्या डिस्कस किया है अभी कि ऑसवाल की बुक आपको करनी है, ऑसवाल की बुक में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे वो करने हैं, वो फर्स्ट 15 डेज था। नेक्स्ट 15 डेज आपको सैंपल पेपर्स करने हैं, पर मैं आपको बहुत सारा सैंपल पेपर सजेस्ट नहीं करूंगी, आपको बार बार रिविजन ही करनी है अपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। प्लस आपको सैंपल पेपर्स करने हैं सिर्फ 3 और 4, इससे ज्यादा सैंपल पेपर्स आपको नहीं करने हैं हर सब्जेक्ट के। 3 और 4 वुड बी मोर देन इनफ। पर जिन्होंने पूरा साल पढ़ाई की है आपको 15-20 सैंपल पेपर्स हर सब्जेक्ट के करने चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सब स्टूडेंट्स में देखी है वो ये कि वो सोचकर बैठे हैं कि इस एग्जाम में तो 10 दिन का ब्रेक है, इस एग्जाम में 5 दिन का ब्रेक है, ये तब की तब पढ़ लेंगे। प्लीज ऐसा मत करो। एग्जाम टाइम का आपको कुछ नहीं पता, यू मे फॉल इल, आपको फीवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। आप सोच नहीं सकते कि क्या होगा, तब एटमोसफेयर क्या होगा, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड कि आप अगर अभी भी आपको एग्जाम देना पड़े, अगर 30 डेज के बाद भी आपको एग्जाम देना पड़े तो आप अच्छे से एग्जाम देकर आ सको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बिल्कुल लास्ट डे ही पढ़ना है, पूरा चैप्टर छोड़ दिया कि लास्ट डे पढ़ेंगे। लास्ट डे पे प्लीज मत टालना, ब्रेक मत छोड़ना एंड अभी से स्टार्ट कर दो। अभी भी आपके पास 1 मंथ है एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, 1 मंथ कम नहीं होता। अगर आप, मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की है टाइम टेबल के ऊपर, उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 9 आवर्स अगर आप डेली पढ़ते हो तो जो मैंने आपको ये टिप्स बताई हैं, आपको करना क्या है, ऑसवाल के क्वेश्चंस, सैंपल पेपर्स, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है,
ये टास्क आसानी से हो सकता है अगर अपने डिस्ट्रैक्शंस को थोड़े टाइम के लिए पॉज कर दो तो ये सब बहुत आसानी से हो जाएगा. सो आई होप ये वीडियो आपके किसी काम की थी, आपको कुछ बेनिफिशियल लगी ये वीडियो, और आप प्लीज इन टिप्स को फॉलो करो एक मंथ के लिए. ये टिप्स मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में फॉलो की थी एंड इट हेल्प मी सक्सीड. तो आप भी प्लीज फॉलो करो. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आर द की, प्रीवियस ईयर्स एनसीईआरटी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होता. और अगर आपको किसी भी चैप्टर में देखने हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आप ऑसवाल से देख सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पर जाओ, कंटेंट भरा हुआ है. इतने सारे टीचर्स हैं, इतने सारे लोग मेंटर्स हैं जो आपको सजेस्ट करेंगे, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप यू ऑल हैव अ नाइस डे. ऑल द वेरी बेस्ट.